प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कालांश में हमने जायसी के सिंहल द्वीप वर्णन खंड की चर्चा की थी। उसके प्रथम दो पदों में किस प्रकार से जो सिंहल द्वीप है उसकी विशेषता और उसके साथ साथ राजा गंधर्व सेन के जो वैभव है उसकी चर्चा की थी। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसी सिंगल द्वीप में कैसी प्राकृतिक छटा है, कैसे वहाँ का आम उद्यान है, या वहाँ के कैसे वनखंड जंगल हैं, या वहाँ के जो लोग कैसे हैं, उनकी सबकी चर्चा करेंगे। तीसरा जो पद है हम यहाँ पढ़ना जा रहे हैं कि जब ही दीप नियरावा जाई जनु कविलास नियर भाई। इस पंक्ति में आप देखें कि सिंगल द्वीप जो है उसके पास में यदि कोई जाता है, जब कोई इस द्वीप के पास जाता है तो ऐसा लगता है कि वह कविलास के पास आ गया है। कविलास का मतलब होता है स्वर्ग, यानी यह द्वीप ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्वापसात स्वर्ग हो और स्वर्ग के निकट कोई व्यक्ति जा रहा है। यानी सिंगल द्वीप के यात्रा करते समय यदि उसके पास में कोई जाए तो ऐसा लगता है कि वह स्वर्ग में जा रहा है। तो आशा यह है कि वह स्वर्ग के समान वैभवशाली है। क्यों कह रहा है कवि कि घन अमराव लाग चहु पासा उठा भूमि हुत लागु अकाशा। यानी यहाँ पर जो अमराइयाँ हैं, यानी आम के जो बगीचे हैं, वो द्वीप के चारों ओर इतने आम के बगीचे हैं कि वो जमीन से उठकर साक्षात आकाश का स्पर्श कर रहे हैं। घना अमराव लाग चहु पासा, यहाँ घनी अमराइयाँ हैं और जमीन से उठ कर के सीधे आकाश तक स्पर्श कर रहे हैं। यानी इतने ऊँचे ऊँचे आम के पौधे हैं, पेड़ हैं। तरिवर सबे मलय गिरिलाई भई जग छाह रेनी होई आई। और यहाँ के जो पेड़ हैं वो इतनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं कि जैसे साक्षात सारे मलय पर्वत से लाए गए हैं, जैसे मलयागिरी से लाए गए सारे तरवर हैं और पूरी जगत में इतनी छाया कर रहे हैं। यानी सिंगल द्वीप में इतनी छाया कर रहे हैं कि दिन में भी रेनी जैसा लगता है, रात्रि का वातावरण लगता है। यानी उस द्वीप में स्वर्ग जैसा आभास होता है और घनी अमराइयाँ हैं जो आसमान को छू रही है। पेड़ मलयगिरी से लाए गए हैं और उनकी छाया इतनी गहरी है, घनी है कि दिन में भी रात्रि का आभास होता है, अनुभव करता है। मलय जेठ जाई लागे तेही माहा समीर सुहावन छावा। यहाँ पर मलय समीर जो है वो इतनी सुहावनी लगती है कि जेठ में भी जाड़ा लगने लग जाता है। यानी यहाँ पर आपको ठंड लगने लग जाती है, यानी इतनी ठंडक हो जाती है कि गर्मी के महीने में भी वहाँ पर आपको शीतलता महसूस होती है। ओ ही छाह रेनी होई आवे और हरियर सवे आकाश दिखावे। यानी कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि इसकी छाया में मलय पर्वत की सुगंधित वायु सबको अच्छी अनुभव होती है और उन पेड़ों की छाया के मध्य में जेठ की गर्मी का एहसास होने लग जाता है। गर्मी के दिनों में भी सर्दी का एहसास होने लग जाता है। उन पेड़ों की छाया से रात्रि जैसा अंधेरा हो जाता है और पेड़ों से सारा आकाश भी हरा भरा दिखाई देता है। वही छाँह, यानी इसकी छाँह से रेनी हो या, यानी इसकी छाया से रात्रि होने लग जाती है और हरियर सबे आकाश दिखा, और आसमान में इसकी जो हरितिमा है तो आसमान भी नीले की बजाय हरा हरा रंग का दिखने लग जाता है। पथिक जो पहुँचे सही के गाँव दुख बिसरे सुख होई विश्राम। और जो पथिक ग्रीष्मकाल में यहाँ पहुँच जाए, गाँवों का मतलब ग्रीष्मकाल में पहुँच जाए, गर्मी से थका हुआ पहुँच जाए तो यहाँ पर आकर के सारे दुख को भूल जाता है और यहाँ का विश्राम लेते ही वह सुख को प्राप्त कर लेता है, यानी सुखी हो जाता है। जय वह पाई छाह अनुपा फिर ही नहीं आई सहे यह धूपा। और जिस व्यक्ति ने इस छाह को देख लिया, इस छाह का भोग कर लिया है, जो इसकी छाया में रह गया है, फिर वह धूप सहन नहीं कर सकता, यानी उसकी शरीर उस तरह से कोमल हो जाता है। तो अस अमराव सघन घन वर्णी न पारो अंत। कवि कहता है कि इस अमराइयों का, मैं घने आमों का वर्णन करते करते कोई अंत नहीं है। और फूले फरे छवो ऋतु, यहाँ पर छह ऋतुओं में ये फूले फले रहते हैं, जानो सदा वसंत। यानी यहाँ पर जैसे चारों तरफ वसंत ही वसंत हमेशा छाया रहता है, तो ऐसा सिंगल द्वीप की अमराइयाँ हैं। कवि यहाँ जो कह रहा है कि जिनी वह धूपा, है ना, जिस पंक्ति आई है कि यहाँ पर जो
जिसने इस छांव को प्राप्त कर लिया है वह भी धूप सहन नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पर आध्यात्मिक संकेत है, पंक्ति आ रही ना कि जय वह पाई छांव अनुपा फिर नहीं आई सहे यह धूपा, यानी जो साधना के कष्टों को सहकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है वह परमानंद को प्राप्त कर लेता और फिर संसार में दुख भोगने नहीं आता, यानी जो इस अमराई के अंदर आ गया वह वापस संसार में क्यों जाए। तो आप इस पद में देख रहे हैं कि कड़वक शैली जिसे हम कहेंगे कि चौपाई और दोहा आया है, अवधि भाषा है, जनु शब्द आ रहे हैं तो उत्प्रेक्ष अलंकार भी है, तो ये शब्द इसमें है। और अवधि भी कौन सी है, ग्रामीण भाषा की है, ग्रामीण अवधि है। अगला जो पद है वो फलोद्यान कैसे हैं वहाँ के सिंगल द्वीप के, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि फरे आम्ब अति सघन सोहाए, ओ जस फरे अधिक सिरनाए। इनकी खासियत क्या है कि जो फलों के उद्यान हैं वह इतने फले हुए हैं और इतने सुंदर हैं कि उनकी क्या वर्णन किया जाए, जैसे जैसे उन पर फल लग रहे हैं वैसे वैसे झुक जाते हैं। फरे आम यानी आम फल रहे हैं, अति सघन हो गए हैं, और जो जस फरे अधिक सिरना है, जैसे यश को प्राप्त करते हैं वो व्यक्ति ज़्यादा विनम्र हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह फल से आच्छादित होने पर और नीचे झुक गए हैं, यानी आम पर फल लग रहे हैं तो उन्होंने अपने सिर को नीचा कर लिया है, विनम्र व्यक्ति से इसकी तुलना की है। कटहर डार पिंड सन पाके, कटहल के फल वृक्ष की शाखाओं से लेकर तने तक लदे हुए हैं। और बड़हर सो अनूप अतिताके, खिरनी पाकी खांडस मीठी जामुन पाकी भंवर अति डीठी, यानी यहाँ पर जो फल हैं उनकी बातें कर रहे हैं कि कटहल के फल तो वृक्ष से लेकर के सीधे इस पिंड तक पहुँच गए, इसके तने तक पहुँच गए हैं और उनकी अनोखी छान है, वृक्ष की शाखाओं से लेकर ये लदे हुए खिरनी जो पक कर, खिरनी पकी खांडस मीठी, खिरनी इतनी पक गई है कि शक्कर जैसी मीठी हो गई है। और जामुन पाकी भंवर अति डीठी, और जामुन पककर ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे भोरों की काली कालीमा हो, जामुन भंवरे की तरह दिखाई दे रहे हैं। नरियर फरे फरी फर हरी फूरे जानो इंद्रासन पूरी, और नारियल के पेड़ पर तो नारियल लग रहे हैं, पुरहरी की बेल फैल रही है, पूरी दृश्य ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र की नगरी हो, इंद्र का बगीचा हो। फूरे जानो इंद्रासन पूरी, पूरी बगीचा ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात इंद्र की अलका नगरी का यह उद्यान हो। पुनी महुआ चु अधिक मिठासु मधु जस मीठ पुहप जस बासु, और महुए के पुष्प से शहद जैसा मीठा और फूलों की सुगंध जैसा सुगंधित रस टपक रहा है। पुनी महुआ चूह अधिक मिठास, यानी महुआ चू रहा है जो अत्यधिक मिठास लिए हुआ है, मधु जैसा मीठा है, शहद जैसा मीठा है, और पुहप यानी पुष्पों की जैसी उसके अंदर बास है यानी गंध है। और खज हजा अनबन नाऊ, और खज बजा खज हजा अनबन नाऊ देखा सब राव नमराव, और यहाँ पर खज हजा देखा जा सकता है, और उस राव के अमराव में यानी उस राजा गंधर्व सेन के अमराव में ऐसे कई फल दिखाई सकते हैं। लाग सबे जस अमृत साका, सभी अमृत के समान दिखाई दे रहे हैं, उन फलों के नाम तक हमें ज्ञात नहीं है, वैसे उद्यान में देखे जा सकते हैं, सभी वृक्ष अमृत की जैसी शाखाएं उनके लग रही है। रहे लोभाई सोई जो चाखा, जो उनको चख लेता है वह लोभायमान हो जाता है। लवंग सुपारी जायफल, वहाँ पर तो लवंग यानी लौंग सुपारी और जायफल इनके पौधे भी दिख रहे हैं। सब फर फरे अपूर, सभी अत्यधिक फल फूल रहे हैं। आसपास घने इमली और घन तार खजूर, आसपास में इमली के वृक्ष, घने ताड़ और खजूर के लंबे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, यानी ऐसा गंधर्व सेन राजा का उपवन है। इस पद में भी आप अनुप्रास अलंकार की छटा देख रहे हैं, भाषावधि हैं, चौहा चौपाई शैली है, और उद्यान की खास तौर से वर्णन शैली को देखने लायक है कि वह किस तरह से वस्तु वर्णन हो रहा है, उद्यान का वर्णन किस तरह से हो रहा है। अगला पद पक्षियों के बारे में है, यानी सिंगल द्वीप के जो पक्षियां हैं, पक्षी कैसे हैं, उनका उल्लेख हो रहा है। बसई पंखी बोल ही बहु भाका, कर ही हुलास देख के साखा, यानी सिंगल द्वीप में जो पक्षी निवास करते हैं
बहुत सारे पक्षी बसते हैं और विविध बोलियां विविध भाषाओं में वो अपने संवाद करते हैं। बस ये पंखी बोले ही बहुआ का, यहाँ पर कई सारे पक्षी बसते हैं और बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। करे ही हुलास देखी के शाखा, जैसे ही उनको वृक्षों की शाखाएं नजर आती है तो वो हुलसित होते हैं, उल्लास प्रकट हो करते हैं, वृक्षों की शाखाओं को देखकर वो प्रसन्न होते हैं। भोर हो तो बोल ही चूह चूही, बोल ही पांडु को एके तू ही। सुबह होते ही चूह चूही यानी वो बोलने लग जाती है, चूह चूही पक्षी बोलने लग जाते हैं और पांडुक नाम का एक पक्षी एके तूही की रट लगा रखता है। एके तूही यानी वह रट लगाने लग जाता है, एके तूही यानी पांडुक पक्षी की आवाज़ है यह, यहाँ पर उसको समझना चाहिए कि पांडुक पक्षी कैसे बोलता है। सारों सुआ जो रच रह चह करही, कुरही परेवा ओ करवरही। और इसके अलावा मैना और तोता अपनी आवाज़ों में चह चहाते रहते हैं। सुआ का मतलब होता है तोता, रह रह कर गई और कुरही परेवा ओ करवरही। और कबूतर भी और करवर कबूतर भी अपनी अपनी आवाज़ें निकालते हैं। पीव पीव कर गंडूरी जी हा, गंडूरी नाम का पक्षी पीव पीव करता है। पपी पपीहा तुही करता है यानी पपीहा तो तुही करता है और गंडूरी नाम का पक्षी पीव पीव करता है और अपनी आवाज़ें निकालता है। कुह कुह करी कोयल राखा, कोयल कुह कुह कर रही है और भृंगराज बोलू बहुभागा। और भृंगराज यानी भ्रमर अपनी अपनी भाषा में व्यक्त कर रहा है, भिनभिना रहा है और अपनी बातें कर रहा है। दही दही करी महरी पुकारा, महरी पक्षी दही दही कर रहा है। हारिल बिनवे अपन हारा और हारिल पक्षी अपनी व्यथा कह रहा है। कुह कहे मोर सोहावन लागा, मोर अपनी वाणी कुह कह रहा है। होई कुराहर बोल ही कागा और कौवे का कोलाहल कुछ अलग तरीके का है। जावत पंखी जगत के भरी बैठी अमराओ, यानी पूरे जगत के पंछी समराई पर आते हैं और अपनी अपनी भाषा ले दे करना और अपने अपनी भाषा में वो लेन देन करते हैं यानी एक दूसरे से संवाद करते हैं। यानी कहने का आशय यहाँ पर है कि इस बगीचे में संसार के सारे पक्षी आते हैं और किस तरह से वो अपनी बोली बोलते हैं उसका संकेत यहाँ पर अपने अच्छे वर्णन में किया है। तो पक्षियों का वर्णन बड़े अच्छे वस्तु वर्णन के रूप में प्रकट हुआ है। भाषाएँ देखें आप और भाषा के साथ शाब्दिक सौंदर्य में अनुप्रास उत्प्रेक्षा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से इसकी छटा अच्छी निरख गई है और यहाँ पर भाषा ग्रामीण अवधि है। पेग पेग पर कुआ बावरी, अब यहाँ पर जो कुआ और बावड़ी उस सिंगल द्वीप में कैसी है उसका वर्णन है। पेग पेग पर कुआ बावरी, साजी बैठक और पावरी, यानी वहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुएं और बावड़ी बने हुए हैं। पग पग पर कुएं और बावड़ी बने हुए हैं और उन पर चौकियां और सीढ़ियां यानी साजी बैठक यानी चौकियां हैं और पावरी यानी पीढ़ी सीढ़ियां बनी हुई है। और कुंड बहु ठावई ठाऊं, और कई सारे वहां पर कुंड बने हुए हैं। ओ सब तीर्थ तिनके नाऊं, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई तीर्थों के कुंड हो, तीर्थ के समान पवित्र और तीर्थ स्थानों के नाम पर बने हुए हैं। तीर्थ तिनके नाऊं, तीर्थ स्थानों के नाम पर बने हुए हैं। मठ मंडप चहुं पास संवारे, चारों तरफ मठ मंडप सुसज्जित हैं। तपा जपा सब आसन मारे, और उनके किनारे तपस्वी और जप करने वाले साधु आसन लगा करके अपनी साधना कर रहे हैं। कोई सो ऋषि सुर कोई सन्यासी, कोई उनमें ऋषि है कोई देवता है कोई ऋषि ऋषिश्वर है, कोई उनमें सन्यासी है और कोई रामजति विश्वासी, कोई रामजति विश्वासी यानी कोई इस तरह से राम जीति में विश्वास करने वाले हैं। कोई ब्रह्मचर्य पथ लागे, कोई ब्रह्मचर्य के पथ पर नजर आता है। कोई सो दिगंबर विचर ही नागे, कोई दिगंबर साधु के रूप में वहाँ पर विचरण करता हुआ नजर आता है। कोई सु महेश्वर जंगम जति, कोई महेश की उपासना करने वाला है और जंगमी है यानी जंगलों में रहता है, एक जगह नहीं रहता, घुमक्कड़ की जीवन जीता है। कोई एक परखे देवी सती, कोई देवी शक्ति की उपासना करने वाला यहाँ दिखाई देता है। कोई सुरसती कोई जोगी, कोई सरस्वती की उपासना कर रहा है, कोई साधु है। निराशपत बैठ वियोगी, कोई निराशपंथी वियोगी भी यहाँ बैठा हुआ है।
तो किस तरह के साधु हैं कि सेवरा खेवरा वान पर सिद्ध साधक अवधूत आसन मारे बैठ सब जारी आत्मा भूत। यानी यहाँ पर कुछ श्वेतांबर साधु मिलेंगे, क्षपणक जैन साधु मिलेंगे, वानप्रस्थि सिद्ध साधक मिलेंगे, अवधूत आदि मिलेंगे। ऐसे ईश्वर के उपासक आसन मार कर बैठे हैं और साधना से अपने कष्टों से अपने मन और शरीर को जला रहे हैं और तपा कर पवित्र कर रहे हैं। इस तरह से अपने आत्मा की साधना करने वाले साधुओं का वर्णन और उसके साथ कुआ और बावड़ी और वहाँ की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। तो यहाँ पर जो पद में अनुप्रास अलंकार हैं, अवधि भाषा है, सिंगल द्वीप के साधु संन्यासी किस तरह से हैं उसका सुंदर वर्णन किया है। शेष अगले कालांश में हम पढ़ेंगे।